अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बेस अप्लाई करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से ब्यूटिशियंस होते हैं, बहुत से मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि बेस को इस तरह डॉट डॉट करके फेस पे अप्लाई करते हैं, इस तरह से फेस पे अप्लाई करते हैं, या ब्रश से भी अगर वो अप्लाई करते हैं तो इस तरह से वो प्रोडक्ट लेके और इस तरह कहीं कहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो उनसे तरीका है, ये डॉट वाला से इस तरह से अप्लाई करने वाला, ये तरीका बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेस लगाने का। कि देखिए, जब हम इसको अब जब हम लोग ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे या ब्रश से इसको ब्लेंड करेंगे, तो ये देखिए जहां पे बेस लगी है वहां पे बेस का कलर डार्क आएगा और जहां पे बेस नहीं लगी वहां पे पैचेस बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम इन यहां से ब्लेंड करके हम दूसरी तरफ जाएंगे तो इस तरफ के जो हमने बेस के डॉट्स लगाए होंगे वो सूख चुके होंगे, वो सही से ब्लेंड नहीं होंगे। ये देखिए मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, इस तरह से ब्लेंड करने में मुश्किल हो जाती है। हम जब दूसरी तरफ जाते हैं डॉट्स को बेस को ब्लेंड करने के लिए, तो वो उस टाइम तक, जैसे आप ये देखें, ये इनको मैं ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे, जहाँ ये डार्क निशान लगे काफी टाइम लग रहा है इसको ब्लेंड करने में। ये देखें, अब आपको पैचेस इसमें शो हो रहे होंगे, जहां पे हमने डॉट लगाए थे वहां पे डार्क है और जहां पे हमने इस तरह से छोड़ दिया था बीच में, जहां पे बेस नहीं हमने अप्लाई की थी वो वाली जगह पे, वहां पे पैचेस बन गए। तो जो सही तरीका होता है बेस अप्लाई करने का वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये होता है कि हमने ब्रश के जरिए इस तरह से बेस सारे फेस पे अप्लाई करनी है, इस तरह टैप टैप करके सारे फेस पे हमने बेस अप्लाई करनी ब्रश से। ये देखिए, ना इससे पैचेस बनते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बेस का। ये जो पोर्स होते हैं उसके अंदर भी बेस जो उनसे भर जाती है और पोर्स जो उनसे वो शो नहीं होते, ये सही तरीका है। ये साथ साथ ब्लेंड भी होती जा रही है बेस, और ना ये ड्राई होगी और ना इसमें पैचेस बनेंगे। तो बेस अप्लाई करने का सही तरीका ये होता है कि आप ब्रश से उसी टाइम पूरे फेस पे बेस को अप्लाई करें, ना कि जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे इसको अप्लाई करें, पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना चाहिए। ये देखें, इस तरह से ना बेस ड्राई होगी और ना पैचेस बनेंगे। इस ब्रश के जरिए से काफी अच्छे से बेस फेस पे लग चुकी है। फ्रेंड्स, ये था सही तरीका बेस को अप्लाई करने का और बेस को सही से ब्लेंड करने का। देखिए, इसके बाद आपको कहीं भी फेस पे पैचेस नजर नहीं आएंगे, चाहे वो ड्राई स्किन हो चाहे वो ऑयली स्किन हो, आपको बेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन शो होगी। तो ये तरीका होता है सही बेस अप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।